लाइक नहीं हुआ, फैमिली ने अलाउ नहीं किया, या हमेशा अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहती थी. एंड मेंटल हेल्थ पे मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. टॉकिंग अबाउट माई लव लाइफ, ओके, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड राइट नाउ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर शादी. मैं बहुत इमोशनल, बहुत बहुत इमोशनल. हम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने बुदेरे गुड न्यूज एंड ऑल. नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज का वीडियो होने वाला है कुछ हटके, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइफ अपडेट एंड एज वेल एज अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें आज मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगी. तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी. एंड अगर वाइब अच्छी लगे, मैं अच्छी लगूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो चलिए फिर अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे चैनल मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यू जुड़े हैं इस चैनल पे और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं. एंड आई थिंक मैं अपने बारे में इतना कुछ बताती भी नहीं हूँ चैनल पे. सो बेसिकली मेरा नाम है चंदा ओझा एंड मेरी जो मैं जो है चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ. मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहीं का है और मेरी फैमिली बिहार से बिलोंग करती है. मेरे मम्मी पापा दोनों ही, एंड हमारा बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहीं हुआ. मेरी स्टडी, फैमिली सब कुछ यही है. बट मेरी शादी जो है झारखंड में हुई है, जो कि पहले बिहार में था बट अभी सेपरेट हो चुका है. तो झारखंड में मेरी शादी हुई है और मैं वहाँ भी जाती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ. थोड़ा बहुत लाइफ में यू नो अप एंड डाउन चलते रहते हैं. एंड यस, दैट्स इट अबाउट मी. और बात करें कि अब थोड़ा सा यू नो लाइफ अपडेट दे देते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपने ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट करियर. सो राइट नाउ आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन. मेरी ग्रेजुएशन जो है मैंने पीजी कॉलेज से की है, सेक्टर 11, और अभी मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ. फ्यूचर के बारे में बात करें तो करियर का मेरा एज सच कुछ अभी मैंने इतना ज़्यादा प्लान नहीं किया, क्योंकि जो जो मैंने प्लान किया था वो सब कुछ सत्यानाश हो चुका है. और आई थिंक मुझे लगता है मैंने कभी किसी को बोला नहीं, मतलब बोला ऐसे कैमरे पर नहीं बोला है, बट आई वॉन्ट टू बी अ जर्नलिस्ट. आई वॉज वॉन्ट टू बी आई डोंट नो, मैं ना एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, टीवी एंकर कुछ ऐसा यू नो. मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा कैमरा और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसे ना क्या बोलते हैं, फैसिनेटिंग और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगता था. तो मैं शुरू से एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी. जब मैं स्कूल में थी मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं कर पाई, लाइक नहीं हुआ, फैमिली ने अलाउ नहीं किया, या मतलब बहुत सारे वो हैं तो मैंने नहीं कर पाई. देन आई हैव डन माई ग्रेजुएशन. सिंपली मैंने आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन की है. फिर अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एज वेल एज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ. आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे और रियली यस, आई थिंक हमारी सोसाइटी में ना एक वो है कि लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा मेकअप लगाती है लड़की, या बहुत ज़्यादा फैशन वैशन मारती है, तो वो तो पढ़ ही नहीं सकती, पढ़ाई में तो बेवकूफ़ी होगी, उसका ध्यान ही नहीं लगता होगा पढ़ने में. ओह इतना लिपस्टिक लगा रखा, ये क्या ही पढ़ेगी. एक्सक्यूज़ मी, टाइम चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा एंड अब ऐसा नहीं है. तो मेरा तो मतलब ब्यूटी की तरफ अगर बात करें, माय गॉड, मुझे बचपन से इतना इंटरेस्ट था ना इस, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये सब करना. सो मुझे ना बचपन से ही ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मैं अपनी मम्मी का यू नो जो भी थोड़ा बहुत मेकअप होता था, काजल लगाना, उस टाइम पे ना मेरी मम्मी वो जो कंघी होती है ना, मैं उसके निब से जो ऐसे काजल लगा के देखती थी अकेले में. देन मैं अपनी मम्मी की बिंदियाँ वगैरह लगाती थी. तो मुझे ब्यूटी चीज़ में, इस लाइन में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था. एंड बड़े होते होते वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वो हो गया. तो आई थॉट कि मैं ना, मुझे लगता है कि स्कूल के बाद से जब मैं जर्नलिज्म नहीं कर पाई, मैं तब से हमेशा अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहती थी. हमेशा मैं चाहती थी कि लोगों को मैं अपने यू नो थॉट्स बताऊं, लोगों को कुछ मतलब बात करूं, लोगों से कुछ जानूं, कुछ सीखूं, कुछ मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था है मतलब बहुत इंटरेस्ट है मुझे इस सब इन मतलब कंटेंट क्रिएशन में. कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसे अपना स्पेस, कुछ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है एंड स्पेशली अबाउट ब्यूटी. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट दिस चैनल. एंड मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया और मैं काफ़ी दिनों से इस पर वर्क कर रही हूँ. और आई थिंक कि अब यूट्यूब वालों को मेरा चैनल मोनेटाइज कर देना चाहिए. जी हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है एंड बहुत बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं. और कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है. तो यस, मेरा चैनल अभी थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा बेटर हो रहा है, बट हाँ अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है. एंड पढ़ाई जो है मेरी साथ के साथ चल रही है. हो सकता है मैं पीएचडी भी करूँ, हो सकता है, लाइक आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर,
बट हाँ मैं फ्यूचर में PhD भी कर सकती हूँ. तो दैट्स अबाउट माई करियर. एंड मेरा जो है, मैं कोई भी जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूँ, बट यूट्यूब जो है हमेशा मेरी लाइफ में रहने वाला है. बिकॉज आई लव दिस यार, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ, ऑल दो कि मुझे 1 रुपये भी अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव दिस. मुझे मतलब ऐसे काम जैसा नहीं लगता है. ऑब्वियसली कभी कभी थक जाती हूँ तो लगता है, बट ये मुझे मतलब एक खुशी मिलती है. सो यस, मैं ये करती हूँ. यूट्यूब एज अ करियर मैं डेफिनेटली प्रस्यू करूँगी अगर इसमें और भी ज़्यादा बेटर होता है. बाकी मेरी एजुकेशन तो साथ के साथ चलती रहेगी क्योंकि मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ. एंड अभी मेरे पापा की रिटायरमेंट होने वाली है जुलाई में. मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उसके बाद हमारा घर भी शिफ्ट होने वाला है. अभी जिस घर में मैं हूँ वो गवर्नमेंट का, मतलब वो है सरकारी मकान है, बेसिकली सरकारी मकान हम लोग यही बोलते हैं, तो सरकारी मकान है. एंड यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे हमारे दूसरे घर में. और एक में हमारा एक और जो है ना मंदिर है, अब मेरे पापा बनवा रहे हैं घर में ही मंदिर, या मंदिर घर कम जो भी आप बोल सकते हैं. तो वहाँ भी ये पूजा वगैरह होनी है, तो वो भी मैं आपको, मतलब मेरा ना एक ब्लॉगिंग चैनल है तो आप वहाँ जाके वो सब देख सकते हैं. अगर आप चाहें ब्लॉग देखना तो यू कैन गो देयर एंड चेक आउट माई ब्लॉगिंग चैनल ऑल्सो. सो यस, अभी शिफ्टिंग होने वाली है और हो सकता है मैं शिफ्टिंग का भी जो है ब्लॉग वगैरह शूट करूँ, तो वो उस चैनल पर ही आएगा. ब्लॉग्स जो है मेरे मैक्सिमम उसी चैनल पे आते हैं, काकी हट्स ब्लॉग्स जो है मेरे मैक्सिमम उसी चैनल पे आते हैं. तो अगर आप यू नो मेरी पर्सनल लाइफ देखना चाहते हैं तो जस्ट गो देयर, अब आपको सब कुछ दिखेगा. एंड नाउ टॉक अबाउट हेल्थ मेडिक. तो मैंने लास्ट ईयर ही, मतलब मैंने ये रेजोल्यूशन लिया था जनवरी में कि मैं अपना वेट थोड़ा मेंटेन करूँ, मतलब मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी बेसिकली. तो अभी जो है मेरी हेल्थ काफ़ी सही है. ऑल दो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना मैं ऐसे लाइक अपनी लाइफ में इंक्लूड करूँ, जैसे डेली वॉक, जिम वगैरह. तो मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी. हाँ फ्यूचर में कभी होगा, बट अभी यू नो मेरा शेड्यूल नहीं बनता, लाइक जिम वाला है नहीं. तो ये चीज़ है. देन टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. आई थिंक मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए गाइज. बात करें मेंटल हेल्थ की, सो मेरे जो मेंटल हेल्थ है ना वो टाइम टू टाइम अप एंड डाउन होती रहती है. कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सैड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्पलेस, होपलेस. बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे फील करती हूँ यार सब ठीक तो है, ठीक हो जाएगा ये वो. तो आई थिंक अब जो है मैं अब थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लेने लगी हूँ. मैंने जितने भी टॉक्सिक लोग थे मेरी लाइफ में, मैंने उन लोगों से ज़्यादा वो रखना छोड़ दिया है रिश्ते, मतलब उन लोगों से मैं इतना इंटरेक्शन नहीं करती. दैन आई नो कि मतलब मेरे लिए सही गलत की चॉइस, मतलब सही गलत क्या है. देन अपने मेंटल पीस को थोड़ी प्रायोरिटी देना, यू नो फालतू के उसमें झगड़ों में, या मतलब मैं थोड़ा अपने दिमाग को ना काम रखने पे वर्क करती हूँ. बिकॉज मेरा एंगर इशू है. देन मतलब एंगर इशू ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी को मार दिया पीट दिया, ये सब चीज़ें नहीं है. बट मेरा जो एंगर, देन ओवर थिंकिंग, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग करना. ओह माय गॉड, वो तो पता नहीं कभी ख़त्म होएगी. मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ पर भी कंट्रोल किया है. नहीं तो पहले मैं इतनी ओवर थिंकिंग करती थी ना, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा. तो इन सब चीज़ों पे मैं वर्क कर रही हूँ. लाइक फिजिकल हेल्थ मेरी काफ़ी बेटर है. मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, हाँ, बट मैं बीमार नहीं पड़ती, तो टच वुड काफ़ी अच्छा है. एंड मेंटल हेल्थ पे मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बिकॉज बहुत कुछ है यार लाइफ में. आप पता है आप कितने ही खुश दिखते हो, कितने ही वो चलते हो, लेकिन आप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है यार. हम सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है. तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, बट वो ना एक्चुअली में हम शो नहीं करते हैं. यू नो हमें सोशोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है कि एक हम एक्चुअल में होते हैं, कि हमारी पर्सनैलिटी एक्चुअल में क्या है. हम मनी मन में होते हैं ना, किसी पे गुस्सा होता है तो मनी मन में गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन हम सोशली या मतलब नहीं शो कर पाते हैं. तो वैसी चीज़ें हैं. लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई मेंटल हेल्थ, माई मेंटल पीस. एंड आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी अपनी मेंटल हेल्थ को. आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में. तो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया शायद, या यूँ कह लो बहुत लेट सीखा. बट अभी ना मेरे को पता है कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है. बहुत सी चीज़ों में मैं कन्फ्यूज रहती हूँ, बट स्टिल लाइक मुझे पता है कि मुझे किन लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है. ये चीज़ मैं आपको भी कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में ना सबको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, मैं ये नहीं कि हाँ बाहर वाले, ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं या सब अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग एक्चुअल में आपके मुंह पे आपके बनते हैं और वो अंदर ही अंदर आपको इतना मतलब बुरा भला बोलते हैं, या कहीं तो एकदम मुंह पे ही ऐसे टॉक्सिक बातें करेंगे ना, ऐसे लगता है कि यार क्या खा के आएंगे.
तो आपको समझना होगा कि किन लोगों को की बातों पे आपको ध्यान देना है, किन लोगों की बातों पे आपको इग्नोरेंस यू नो मतलब इग्नोर कर देना है. तो ये सब चीज़ें हैं एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. लाइक मुझे लगता है कि यार मेरी मेंटल पीस ना पता नहीं कभी सेटल हो रही है, क्योंकि कहाँ पहुँच गई यार मैं. पर्सनल लाइफ अपडेट देते देते कहाँ चली गई. देन टॉकिंग अबाउट माई लव लाइफ, ओके इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. ओके सो लव लाइफ के बारे में क्या ही बताऊँ. आई थिंक काफ़ी अलग सी है हम दोनों की, मेरी और मेरे आदित्य मतलब मेरी और आदित्य की लव लाइफ. लाइक हमारी लव लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है स्टार्टिंग से ही, एंड राइट नाउ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर शादी, बिकॉज वी आर इन अ काइंड ऑफ यू नो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज. यस यही बोलते हैं ना. हाँ तो हमारी शादीशुदा तो हम दोनों ही हैं, लाइक मतलब हम दोनों एक दूसरे से शादीशुदा हैं, मतलब हमारी शादी हो चुकी है. एंड वी आर लाइक इन काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज. तो वो अपने घर पर है, मैं अपने घर पर, और हमारे घर भी बड़े दूर दूर है. लाइक सीरियसली कहाँ झारखंड कहाँ ये मतलब कितना देना, 2 दिन लग जाते हैं ट्रेन से भी आने में. तो इसका रीज़न ये है ओनली वन, कि हम दोनों के लिए अपना करियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हम दोनों में से कोई भी अपना करियर नहीं छोड़ सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई डोंट नो यार, हो सकता है मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों में हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लड़की हो, कोई भी हो आप, लड़का लड़की कोई भी हो, बट अगर आप एक लड़की हो स्पेशली यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार आपका पति कौन है, आपके पापा कौन है, आपके ससुर कौन है, वो कितना भी कमाते हो, बट आपको मतलब आप चार रुपये मतलब 2-4 हज़ार ही कमाओ, 10 हज़ार ही कमाओ, लेकिन आपको कमाना चाहिए. ट्रस्ट मी गाइज, आई नो मेरा चैनल जो है बहुत सारी लड़कियाँ देखती हैं, बट यार मैं ये कहूँगी आप ना छोटा कुछ भी काम कर लो. लाइक आप घर में काम कर लो, कुछ स्टिचिंग का कर लो, कुछ भी कर लो, आजकल तो इतने सारे ऑप्शन है, बट आपको फाइनेंशियली पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई फेल्ट कि जब आप मतलब आप कमा नहीं रहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के साथ सिर्फ पैसा नहीं आता, एक रिस्पेक्ट आती है, एक पावर आती है, एक अथॉरिटी आती है. जब आप कमा रहे होते हो ना, तो आप एक्चुअली में इंडिपेंडेंट हो, कोई भी आपको कुछ भी ऐसे बोल के नहीं जा सकता कि हाँ तू तो ये वो. मतलब आई फील कि यार मतलब अपना कमाना ज़रूरी है. तो मेरा क्लियर था कि मैं अपना करियर नहीं छोड़ने वाली शादी के लिए, एंड ही इज़ ओके विद दिस थिंग, एंड ही इज़ लाइक कि ठीक है आप अपना पढ़ाई करो, आप सेटल हो, मैं अपना जो बिजनेस है कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड हम देखेंगे दोनों फ्यूचर में कि हाँ हमें कहाँ रहना है, कैसे करना है. लाइक पर इतना श्योर है कि मैं हूँ, या मतलब हम अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ. एंड आई नो मुझे बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए गालियाँ भी देंगे कि हाँ तू बढ़िया ये वो, बट ठीक है ना यार, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे हम दोनों मिलके. बट यस मैं अपना करियर हमेशा कंटिन्यू करने वाली हूँ. मैं जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, या कुछ भी करूँ, बट मैं हमेशा मेरा प्रायोरिटी रहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली, और मैं बनकर रहूँगी. तो हाँ हम दोनों थोड़ा मतलब ये है कि यार मतलब अलग रहना पड़ता है ड्यूटी करियर. हम लोग मिलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, मैं भी कई महीनों के लिए अपने ससुराल जाती हूँ, वो भी आते हैं, बट स्टिल यू नो यार मतलब ऐसे लगता है कि कभी कभी क्या, हमेशा एक खालीपन सा लगता है, एक ऐसे ना मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब एक वो लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ सुना, मतलब सब कुछ होते हुए भी ऐसे कुछ खाली सा लगता है ना. तो वो चीज़ है. आई थिंक हमारी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई होप कि भोलेनाथ जी चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, हम दोनों अपने अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड फिर हम दोनों मिलके खूब मज़े करेंगे साथ में. सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, कोई बात नहीं. तो सो बस भोले बाबा दे दे नोट छापण की मशीन वाला गाना याद आ गया मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं हम दोनों, हम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने करियर के लिए दोनों, एंड आई विश कि भगवान सुने हमारी और हमारी मेहनत रंग लाए किसी दिन, और हमारे पास भी थोड़ा यू नो अच्छा खासा पैसा हो और हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें. जैसे ही लव लाइफ आती है उसके साथ एक और चीज़ आ जाती है आजकल बहुत, यू नो मैरिड कपल्स के साथ तो होता ही है, स्पेशली जब आपकी शादी को 1-1.5 साल हो चुका हो ऑलरेडी, कि फैमिली प्लानिंग का क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, कब दे रहे हो गुड न्यूज़ एंड ऑल. और हमें भी ये सवाल लोग पूछते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग आशीर्वाद भी देते हैं, थैंक यू, एंड मतलब जो भी हमारे जान पहचान के लिए वो दिल से आशीर्वाद देते हैं, और हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कि भगवान हमें भी यू नो जल्दी से हमारी फैमिली बड़ी करें. बट अभी हम लोगों का सच कोई
प्लान है नहीं, बाकी भगवान की मर्जी। लेकिन अभी एज आई टोल्ड यू कि हम दोनों की प्रायोरिटी हमारा करियर है, तो थोड़ा अभी टाइम है। और क्या है, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स जो है कवर कर लिए हैं। बाकी अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में क्या ही बोलूँ यार, मतलब मुझे ये चैनल के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ। एंड मैं ना अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस टाइप की इंसान हूँ। मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे मजाक में जल्दी मैं लेती नहीं, मतलब जो छोटी मोटी मजाक वाली चीज़ें ऑब्वियसली वो तो मजाक में, पर ये नहीं है कि लाइक मैं बहुत ही इमोशनल और होता ना सीरियस टाइप की इंसान हूँ। आई डोंट नो मैं यहाँ लाइव अपडेट करते करते क्या करने लगी, बट यार मेरे जो दिल में था ना मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता कि कोई देखेगा नहीं देखेगा, किसी को कैसा लगेगा, पर मैंने जो सच था मैंने बोला है गाइस। एंड आई फील कि कभी कभी ना मेरा बड़ा दिल करता है मैं आप लोगों से बातें करूँ, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बताऊँ, कुछ कुछ शेयर करूँ, कुछ सुनूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं क्या कौन कैसे समझे। मतलब पता नहीं यार, मुझे ना थोड़ा मैं हूँ थोड़ी डरपोक तो नहीं, बट हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि ना मेरे को थोड़ा रहता है कि हाँ मतलब यू नो किसी को मेरी बात का बुरा ना लग जाए, तो इन सब चीज़ों की वजह से। एंड आई थिंक मैंने आपको अपनी लाइफ का सब कुछ अपडेट दे ही दिया है। बाकी आप मुझे बताना, आप व्लॉग्स वगैरह देखने में अगर इंटरेस्टेड हो ना तो मैं व्लॉग्स भी डालूंगी। वैसे मेरा व्लॉगिंग का चैनल अलग से है, बट स्टिल अगर आप चाहोगे तो मैं इस चैनल पे भी डाल दूंगी। देन मैं सोच रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे डालने का, एवरी डे या मतलब कुछ भी करके। एंड यस, सो या आई थिंक मुझे लगता है सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं एडिटिंग करूँगी तो देखती हूँ क्या रखना है, क्या छोड़ना, मतलब क्या हटाना है। एंड इसी के साथ जो है ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत बातें हैं मेरे पास, मैं बहुत बातें करती रहती हूँ। एंड यस गाइस, सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।